Assalamu alaikum friends and welcome to Raja A Rehman official. Hope so you are all fine and I am also fine guys. आज मैं Fiverr के सेमेस्टर ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. लास्ट में हमने 6 ट्यूटोरियल तक अपनी Fiverr गिग को जो है कंप्लीट किया था. होप सो कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा. आज मैं आपको Fiverr की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगा. गाइज़ ये Fiverr Pro है. Fiverr Pro मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि Fiverr Pro क्या चीज़ है. नेक्स्ट हमारे पास एक कम्युनिटी इवेंट्स ब्लॉग्स फोरम ब्रॉडकास्ट इवेंट्स जो हैं इनके Fiverr वालों के जो इवेंट्स आते रहते हैं या ये कोई वेबिनार्स करते हैं ठीक है. तो गाइज वो इनके यहाँ पे जो है सब कुछ लिस्टिंग होती है कि Fiverr के इवेंट्स वगैरह कब हो रहे हैं. बेसिकली ये हमारे काम की चीज़ नहीं है. बाकी ब्लॉग है, ब्लॉग को आप ओपन करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है Fiverr की न्यू सर्विस के बारे में बताते रहते हैं. फोरम है, फोरम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. आप Fiverr का फोरम ज्वाइन करें. Fiverr के फोरम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या कोई लेटेस्ट प्रॉब्लम सिस्टम में पेश हो रही होती है तो वो फोरम पे ज़रूर डिस्कस होती है. तो वहाँ से आप अपडेट रहते हैं कि Fiverr पे क्या चल रहा है और क्या नई जो है स्किल्स हैं, क्या बेसिक तरीकाकार है, आप न्यू जो है नए मेथड्स इनके आ रहे हैं, इनका सिस्टम अपडेट होता रहता है. तो उन सब चीज़ों की डिटेल फोरम के ऊपर लोग डिस्कस करते हैं. फोरम बेसिकली क्या चीज़ है? फोरम ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग जो हैं उनकी अपनी आईडीज़ होती हैं, सच एज के जिस तरह फेसबुक ग्रुप्स होते हैं तो उसी तरीके से फोरम भी हैं इसके, ठीक है. और स्टार्टिंग बार ऑप्शंस, माय गिग डिसअपीयर्ड नॉट इंडेक्स्ड, मेरी गिग डिसअपीयर्ड होगी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. जो आपको समझ नहीं आ रहे वो यहाँ पे ज़रूर किसी ना किसी यूज़र ने डिस्कस किए होंगे तो उसके आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे. बाकी ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर आपको सब कुछ उन्होंने जो इनकी नई पोस्ट होती हैं वो डालते रहते हैं. हाउ टू एग्जीक्यूट एन एसईओ टेक्निकल ऑडिट लाइक ए प्रो, मतलब काफ़ी कुछ जो है इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली होती है. उसके बाद ब्रॉडकास्ट कुछ छोड़ दें आप. मैसेजेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज के ओके फॉलो दिस प्रैक्टिकल्स फॉर ओके, ये न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, कोई इसको देखते हैं मूवमेंट करके. नोटिफिकेशन है, मैसेजेस नोटिफिकेशन और इनबॉक्स है. इनबॉक्स का तो आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र को यह है आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करता, ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो कुछ जानना चाहता है कि हाँ मेरा ये काम है तो वो जो आपने पैकेज में नहीं लिखा होता ठीक है, या कुछ और चीज़ वो इंक्वायरी लेना चाहता हो कि ये काम है ये कितने में कर दोगे, मतलब मल्टीपल काम है तो वो आप डिस्कशन कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर. देन ये है जो इन्होंने नया ब्लॉग के ऊपर ठीक है या व्हाट्सएवर जो भी इन्होंने अपलोड किया तो उसकी नोटिफिकेशन दे दी. बस प्रैक्टिकल्स फॉर न्यू Fiverr सेलर्स, कि जो न्यू Fiverr सेलर्स हैं वो क्या करें, Fiverr पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को फॉलो करें ठीक है. यूज़ ए प्रोफाइल पिक्चर जो रियल हो ठीक है, उसके साथ आपका रियल नेम हो ठीक है. फिल आउट द प्रोफेशनल वेबसाइट सेक्शन, सेटिंग अ प्रोफाइल एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी विद Fiverr मॉडर्न टीम्स, ऑप्टिमाइज़ योर गिग कंटेंट, अपनी गिग कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें. कंटेंट जो आपने लिखा होगा ठीक है, टैग योर सेल्फ, ब्राउज योर कैटेगरीज ठीक है ओके. मतलब कि ये यहाँ पे उसने जो है न्यू सेलर्स के लिए जो है उन्होंने यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने Fiverr अकाउंट को लेके चल सकते हैं. ऑप्टिमाइजिंग योर गिग्स ओके कि आप वीडियोज़ भी अब जो हैं वो अपलोड करें अपने ठीक है, सच इज़ लाइक दिस के, इस तरह की वीडियोज़ जो हैं ओके मतलब आप अपनी Fiverr गिग के अंदर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से आप वीडियो अपलोड करें. नेक्स्ट जो है सेव्ड, सेव में क्या होगा, सेव में गिग्स आएंगी ठीक है जो आपने सेव की होंगी, मतलब दूसरे यूज़र्स की, दूसरे जो Fiverr यूज़र्स हैं उनकी गिग्स को आपने सेव किया होगा तो वो यहाँ पे शो होंगी आपके पास. ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर शो होंगे, नो ऑर्डर येट, जब कोई ऑर्डर आएगा आपको यहाँ पे शो होगा. स्विच टू सेलिंग कि आप अभी हमारा जो है वो है सेल ऑल टू, यू नीड टू सेल योर सर्विसेज, वी विल सेल एट एज योर डिफॉल्ट मोड. स्विच टू सेलिंग ओके, सेलर डैशबोर्ड अपग्रेड योर बिजनेस 100% ऑर्डर कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्स 100% ओके मार्च. तो ये यहाँ पे जो है आपका अपना सब कुछ जो है वो शो होगा, आपकी एनालिटिक्स वगैरह ठीक है, डैशबोर्ड मैसेजेस
ऑर्डर्स किक्स, बेसिकली ये है सेलर का, ठीक है, डैशबोर्ड, वो था बायर का डैशबोर्ड, ठीक है, बायर का डैशबोर्ड था, सेलर का भी डैशबोर्ड था, बट ये है सेलर का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, गिक्स, आपकी गिक्स कितनी है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, एनालिटिक्स हैं, एनालिटिक्स से ये पता चलेगा कि कितने यूज़र्स ने आपकी गिक को यूज़ किया है, मतलब देखा है, ओपन किया, कितनी बार ओपन किया, कहाँ कहाँ से है, और अर्निंग टैब्स में आपकी अर्निंग शो होंगी। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा। और मोर के ऑप्शंस में आपके पास बायर रिक्वेस्ट हैं, प्रमोट योर सेल्फ, एनालिटिक्स में मैं देखता हूँ, एनालिटिक्स का मकसद ही होता है कि मैं आपको बता दी कि कितनी दफ़ा यूज़र ने आके आपकी गिग को ओपन किया, ठीक है, और क्या क्या देखा, वो सब कुछ एनालिटिक्स में शो हो जाता है। आज का ये ट्यूटोरियल बस ये है कि फाइवर में कौन कौन से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में है जो उसमें अब हम प्रो की तरफ जाएंगे कि किस तरह से ऑर्डर्स हम ले सकते हैं और क्या क्या तरीक़ेकार हैं ऑर्डर्स लेने के, उसके लिए हमें रिव्यूज़ वगैरह भी चाहिए होंगे। एनालिटिक्स में ये बता रहा है कि टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल ऑर्डर कितने कम्प्लीट किए हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस अर्नड इन मार्च, मार्च में कितने की जो करंट मंथ होता है, देर आर नो ऑर्डर टू डिस्प्ले, सेलर लेवल, अच्छा सेलर लेवल भी होता है, एवेल्यूशन पीरियड एंड्स ऑन मार्च, ठीक है, वन लेवल, लेवल वन, लेवल टू, टॉप रेटेड, इनके तीन लेवल हैं, ठीक है। एक तो प्रोफाइल क्रिएट होगी जब ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, जब आपके अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, आपका जो बायर होता है वो अच्छे रिव्यूज़ देता है तो आपको लेवल वन दे देते हैं, फिर लेवल टू आता है, फिर टॉप रेटेड लेवल में चले जाते हैं। तो ये अकाउंट अगर लेवल वन पे भी आ जाए तब भी आपका अकाउंट सेल हो जाता है। रिस्पांस रेट जो है वो देख सकते हैं कि आपने कितनी जल्दी रिस्पांस किया, और आपने कोशिश ये करनी है कि बायर को जल्दी से जल्दी रिस्पांस करना है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी, टाइम डिलीवरी 24 आवर्स का होता है ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज, रेटिंग्स कि आपकी गिग को रेट कितनी दफ़ा किया, सेलर सीनियरिटी, ओके, ऑर्डर्स, अर्निंग्स, डेज विदाउट वार्निंग्स, कितनी वार्निंग्स उन्होंने दी हैं आपको। वार्निंग तब देते हैं जब आप अच्छे से काम ना करें और आपको लोग जो हैं वो वार्निंग्स दें, ठीक है, मतलब कि कंप्लेन कर दें, फाइवर वालों को रिपोर्ट कर दें, तो वो फाइवर वाले आपको वार्निंग देते हैं। तो आई थिंक सो इनकी एक लिमिट होती है, उस वार्निंग के बाद ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। ये है वर्ड डोमिनेशन, यहाँ पे सारे वो बताते हैं कहाँ कहाँ से कितने कितने आपको ऑर्डर्स आए। बायर रिक्वेस्ट क्या है, बायर रिक्वेस्ट में बेसिकली ये होता है कि आपको 10 ऑफर्स देते हैं डेली की, ये अक्सर जो हैं वो लोग जो हैं वो अपनी ऑफर्स लगाते हैं, उनको कोई गिग नहीं मिल रही होती, ठीक है, बट वो ऑफर्स लगाते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ओके, नो रिजल्ट फाउंड बायर रिक्वेस्ट, सेंट ऑफर्स, सेंट ऑफर्स में भी कुछ भी नहीं आ रहा, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो ऑल कैटेगरीज, लोगो डिज़ाइन, ओके, प्रमोट योर सेल्फ, लर्न ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स। हम फिर से प्रोफाइल पे आते हैं। बेसिकली आज का ये मकसद था कि आपको सिर्फ जो है इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। अभी जो है फाइवर का ऐप भी जो है अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि हम किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अच्छी रेटिंग में ला सकते हैं और किस तरह से हम अपना पहला ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। भैया थोड़ा बहुत ओवरव्यू था जो मैंने आपको आज देना था, जो मैं ज़रूरी समझा कि आपको बेसिकली पता चल जाए कि फाइवर में चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं और कौन कौन से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सेटिंग भी हम देख लेते हैं ताकि आपको कुछ फाइन प्रोफेशनल सर्विसेज कनेक्ट विद फ्रीलांसर। एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होता है इसका फाइवर का, आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा, मोबाइल पे पहले शो हुआ करता था, आई थिंक मोबाइल ऐप में ही वो शो होता है ऑफर्स वाला। आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं ईमेल, ओके, और गाइस सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि कल को अल्लाह करे कि आप जो है एक अच्छे सेलर जो है वो बन जाते हैं, तो सेलर बनने के बाद
आपने मतलब आपने सेलर भी सेल कर चुके होते हैं, तो आपको यह है कि अगर आपको कहीं जाना भी पड़ता है, ये नहीं होता कि आप 24 आवर्स जो है बाउंड हो जाते हैं। अगर आपको कहीं जाना होता है या कुछ आप बिज़ी होते हैं, तो आप आउट ऑफ ऑफिस का जो ये ऑप्शन है, ठीक है, वो बता देते हैं और रिटर्निंग डेट जो है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और वाई क्यों जा रहे हैं, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन, आई एम ओवर बुकड, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर आ चुके हैं, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आपकी प्रोफाइल को कुछ भी नहीं होता है। बट अगर आप ऑर्डर्स को डिले करना शुरू कर दें और उनको अप्लाई ना करें, देन फाइवर आपको नीचे ले जाता है आपकी प्रोफाइल को। और गाइस, किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि ऑर्डर्स किस तरह से मिलेंगे, हालांकि इतने ज़्यादा जो हैं वो लोग टॉप रेटेड में हैं, तो हम किस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ऑर्डर लेंगे अपना फर्स्ट, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो से हमारा असल काम शुरू होगा, फाइवर से काम करने का। बेसिकली प्रोफाइल तो हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि बना ली, अब हमने असल काम करना है कि ऑर्डर अपना फर्स्ट जनरेट किस तरह से करना है, वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, देन आप जो है अपना फर्स्ट ऑर्डर मैच्योर कर लेंगे अल्लाह के फजल व करम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जल्द ही मैं नई वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।